उत्तराखंड के हल्द्वानी से दिल की धड़कनें रोक देने वाला बेहद खतरनाक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक बस उफनाई नाले को पार कर रही थी। इसी बीच आधे रास्ते में अचानक रोडवेज की बस बंद हो गई, जिससे गाड़ी के भीतर बैठे यात्रियों की सांस अटक गई। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। बारिश के बाद नदियां सहित कई नाले उफान पर आ गए हैं। हल्द्वानी के गोलापार सितारगंज मार्ग पर चोर गलियों के पास स्थित शेर नाला भी उफान पर आ गया है। रोडवेज की बस ने उफनाई नाले को पार करने की कोशिश की, लेकिन आधे रास्ते में रोडवेज की बस बंद हो गई। उफनाई नालों में रोडवेज बस के बंद होने के बाद बस के अंदर बैठे यात्रियों के बीच चीख पुकार मच गई। बस ड्राइवर ने बस को वापस ले जाने की काफी कोशिश की, लेकिन बस ड्राइवर सफल नहीं हो सका। बाद में यात्रियों की मदद से चालक ने नाले से बैक कर बस को वापस सितारगंज की तरफ लेकर गया। जब जाकर सबकी सांस में सांस आई। यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बता दें कि उत्तराखंड के पर्वतीय जिले में भारी बरसात के बाद भूस्खलन से कई सड़कें बंद हो गई हैं, जिसमें जगह जगह यात्री फंस गए हैं। प्रशासन द्वारा बंद सड़कों को खोलने का काम किया जा रहा है। इसके बावजूद बार बार हो रहे भूस्खलन और खराब मौसम सड़कों को खोलने में बाधा बना हुआ है। वहीं प्रशासन ने उफान पर आए नदी नालों को लेकर सलाह जारी की है। साथ ही यात्रियों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखते हुए संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी तैनात कर दिया गया है। नैनीताल में सड़क बंद होने से दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं। प्रशासन द्वारा बंद सड़कों को खोलने के साथ ही ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। अल्मोड़ा पिथारगढ़ एनएच समेत दो स्टेट हाईवे को 9 ग्रामीण सड़कों से मलबे से वाहनों की रफ्तार रोक दी गई है, जबकि चौपावन जिले में भारी बारिश के कारण गुनावघट रीठा साहिब मार्ग जगह जगह बाधित हो गया है। इससे लदियाघटी क्षेत्रों के लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड से बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के पर्वतीय जिलों में 10 अक्टूबर से अगले 3 दिनों तक बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 13 अक्टूबर के बाद मौसम कुछ साफ होने की उम्मीद है। मौसम विभाग की बारिश की चेतावनी के बाद जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। नदियों के किनारे रह रहे लोगों की विशेष तौर पर सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जलप्रवाह। नमस्कार।